हम तीन मूलभूत आयामों की बात कर रहे हैं जिनके बिना अस्तित्व में कुछ नहीं हो सकता। बस तीन मूलभूत शक्तियां, तीन मूलभूत गुण इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं। ये केवल सतह पर अलग हैं, भीतर गहराई में सब कुछ एक ही है। तो आधुनिक वैज्ञानिक अपनी ही भाषा में कह रहे हैं कि शिव हर चीज को एक साथ थामे हुए हैं। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीन लोगों के बारे में मत सोचिए। एक बादलों पर तैर रहा है, दूसरा पहाड़ की चोटी पर बैठा है, तीसरा कुछ और कर रहा है। हम तीन लोगों की बात नहीं कर रहे, हम तीन मूलभूत आयामों की बात कर रहे हैं जिनके बिना अस्तित्व में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप इन कहानियों को काफी नजदीक से देखें तो ब्रह्मा सृजन की शक्ति है। क्या अस्तित्व में सृजन है? बेशक। विष्णु रख रखाव हैं। दिस मेंटेनेंस हैपनिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएशन। क्या रख रखाव हो रहा है? मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं सृष्टि की बात कर रहा हूं। क्या रख रखाव हो रहा है? बेशक विनाश भी होता है ना? आपके शरीर के अंदर अभी करोड़ों कोशिकाएं मर रही हैं, करोड़ों नई कोशिकाएं बन रही हैं और अरबों का रख रखाव किया जा रहा है ना? तो आप इन तीन शक्तियों की अभिव्यक्ति हैं, और ये धरती भी, और ये सौर मंडल भी, और ये पूरी सृष्टि भी, ये इन्हीं तीन पहलुओं की एक अभिव्यक्ति है, सृजन, रख रखाव और विनाश। शायद आपको शिव से थोड़ा लगाव हो गया है और आप थोड़े विनाशकारी हो गए हैं, पर सभी तीन किसी न किसी अनुपात में काम कर रहे हैं और यही पूरे ब्रह्मांड का आधार है। और स्थूल में भी यही तीन शक्तियां हैं, सूक्ष्म में भी यही तीन शक्तियां हैं, एटम यानी परमाणु में भी यही तीन शक्तियां हैं और ब्रह्मांड में भी यही तीन शक्तियां हैं। ये एक बहुत ही सरल सी सृष्टि है। बस तीन मूलभूत शक्तियां, तीन मूलभूत गुण इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं। बहुत बड़ा खेल है ना? बहुत ही बड़ा है ना? बहुत ही बड़ा खेल। बस तीन शक्तियां, शानदार काम हो रहा है सिर्फ तीन के साथ। तो ये तीन तीन हैं, पर अगर आप पर्याप्त गहराई में जाते हैं तो ये बस एक हाथ है। इसी तरह ये सिर्फ एक है। हर जगह आप एक त्रिशूल देखते हैं, ये मत सोचिए ये कोई हथियार है। मुझे पता है कि कुछ लोग इसे हथियार जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको हथियार चाहिए तो मैं बता रहा हूं कि ये बहुत ही खराब हथियार है। अगर आप किसी के हत्या करना चाहते हैं तो त्रिशूल एक खराब हथियार है। ऐसे लोग जो लड़ने के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ वे ही त्रिशूल लेकर जाएंगे। बताइए हाँ या ना? क्या आप किसी को भी कोंच सकते हैं इस तरह के त्रिशूल से? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है, ये एक प्रतीक है। अब शिव एक त्रिशूल लेकर चलते हैं इसलिए नहीं कि वे आपसे लड़ना चाहते हैं। उनके बेटे एक भाला रखते हैं, वो लड़ाई का हथियार है। वे लड़ते रहे, कार्तिकेय लगातार लड़ते रहे। शिव कभी नहीं लड़े, क्योंकि ये बस एक प्रतीक है। ये बस आपको ये दिखाने के लिए है कि सतह पर ये तीन है, भीतर गहराई में सब कुछ एक है। ये लगातार यही दर्शा रहा है। आप सोच रहे हैं कि ये एक हथियार है, नहीं, ये हथियार नहीं है, ये ठीक हथियार नहीं है, है ना? जब तक आप लोगों को धकेलना ना चाहते हो। If you want to pierce people, it's not a good weapon. अगर आप लोगों में छेद करना चाहते हैं तो ये अच्छा हथियार नहीं है। तो ये तीन, ये केवल सतह पर अलग हैं, भीतर गहराई में सब कुछ एक ही है, पर ये तीन अभिव्यक्तियां सृष्टि में सभी पहलुओं में साफ साफ मौजूद हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से लेकर कई 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 दूसरे स्तर की अभिव्यक्तियों में ये हमेशा मौजूद है।
तो महादेव का महत्व ये है कि ये जब ये तीनों एक की तरह काम कर रहे हैं तो वो महादेव हैं। ये तीन देव हैं, जब ये सभी एक के रूप में काम कर रहे हों तब ये महादेव हैं। तो हम विनाशक को महादेव कहते हैं क्योंकि इसका संबंध है, ब्रह्मा का संबंध है सृजन से, विष्णु उनका संबंध है सृष्टि के संचालन से, शिव शून्यता है। ये दोनों सृष्टि और रखरखाव, इनका अस्तित्व सिर्फ शून्यता की गोद में ही है। सृष्टि में मौजूद खाली स्थान ही है जिसका विस्तार सबसे ज्यादा है, जो असीम है, और यही वो गोद है जिसमें सृष्टि बनती है और गायब हो जाती है ना? ये घटती है, अपना संचालन करती है और बिखर जाती है। सब कुछ शिव की गोद में होता है क्योंकि वे शून्यता हैं। शिव यानी वो जो नहीं है, शी व यानी वो जो नहीं है, तो वो जो नहीं है उसके आगे हम सर झुकाते हैं क्योंकि वही असली चीज है। आज मॉडर्न साइंस धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहा है। कुछ समय पहले तक वे मानते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस और ग्रेविटी ही सब कुछ है। अब जैसे जैसे वे और गहराई में जाते जा रहे हैं, क्या आपको पता है मॉडर्न साइंस में आज भी ग्रेविटी की कोई व्याख्या नहीं है। आइजैक न्यूटन ने सिर्फ आपको ये बताया कि सेब नीचे गिरता है, जिसे हर गांव का लड़का जानता था। सौभाग्य से वो नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता। उन्होंने इसकी कोई व्याख्या नहीं दी, कोई गणितीय आधार नहीं दिया, बस उन्होंने कहा कि ये नीचे गिरता है और कुछ नहीं। और तब से वे पता लगाने की कोशिश करते रहे हैं। उन्हें कम से कम दूसरी शक्तियों के बारे में पर्याप्त जानकारी है। ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जिसने मॉडर्न साइंस को झकझोर दिया है। वो ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ग्रेविटी इस तरह से क्यों काम करती है। तो आज वे व्याख्या दे रहे हैं कि एक समय था जब वे मानते थे कि सूरज की ग्रेविटी सभी ग्रहों को एक साथ थामे हुए, किसी और चीज की ग्रेविटी सभी आकाश गंगाओं को एक साथ थामे हुए। अब वे कह रहे हैं कि हर जगह कोई डार्क फोर्स यानी काली शक्ति मौजूद है। विवरण की कमी की वजह से, क्योंकि वे उसका कोई भी गुण नहीं जानते, वे उसे एक डार्क फोर्स कह रहे हैं। और ऐसा लगता है कि यही डार्क फोर्स हर चीज को उसकी जगह पर थामे हुए है। उन्हें नहीं पता कि इस शक्ति की प्रकृति क्या है। इसे डार्क एनर्जी या डार्क फोर्स कहा जाता है। ये डार्क एनर्जी, पता है हम शिव को हमेशा द डार्क वन कहते हैं, उन्हें हमेशा द डार्क वन कहा जाता है। उनकी रात महीने में सबसे डार्क यानी काली रात होती है। तो आधुनिक वैज्ञानिक अपनी ही भाषा में कह रहे हैं कि शिव हर चीज को एक साथ थामे हुए है। अब मैं नहीं चाहता कि आप एक आदमी की कल्पना करें जो वहां बैठकर हर चीज को साथ थामे हुए है। ये ऐसा नहीं है। शिव यानी वो जो नहीं है, और वो जो नहीं है उसे सबसे ऊंचा माना जाता है क्योंकि वो जो नहीं है वही सृष्टि में सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है कि नहीं? अगर आप ऊपर आसमान में देखें, क्या आप कभी देखते हैं? क्या आप कभी देखते हैं? ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। तो अगर आप आसमान में देखते हैं, चूंकि आपकी आंखें एक खास तरीके से बनी हैं, आपको लगेगा कि आसमान तारों से भरा है। यह हकीकत नहीं है। वहां सबसे बड़ी चीज है खाली अंधकार, है ना? जो आकाश गंगाएं आप वहां देखते हैं वे तो बस छोटे छोटे बिंदु हैं, बाकी का विशाल विस्तार शून्य है ना? तो उसे ही हम शिव कह रहे हैं, पर इसके कई पहलू हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक देशी भाषाओं वाली संस्कृति हैं, क्योंकि हमें पता है कि अस्तित्व के कोई हिस्से नहीं है। क्या आपको लगता है कि सौर मंडल और बाकी की आकाश गंगा के बीच कोई सीमा रेखा है? नहीं। क्या एक आकाश गंगा और दूसरी आकाश गंगा के बीच कोई सीमा रेखा है, एलओसी? ऐसी कोई चीज नहीं है। इस अस्तित्व में कोई हिस्से नहीं है। तो
हम एक देशी भाषाओं वाली संस्कृति हैं, जहां इसके कोई हिस्से नहीं है। तो अगर मैं शिव की बात कर रहा हूं, जब मैं कहता हूं शिव, तो आपको पहचानना होगा कि मैं कौन से शिव की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं शिव और असीम शून्यता की बात करता हूं। मैं कहता हूं शिव और आदि योगी की बात करता हूं। मैं कहता हूं शिव और मैं उस मजदूर की बात कर रहा हूं जो अभी सड़क पर चल रहा है, जिसका नाम शिव है। ये सभी चीजें हम एक ही समय पर करते हैं, और यही कारण है कि अगर हम ऊपर असीम शून्यता की ओर देखें तो हम वही चीज करते हैं। अगर हम आदि योगी की ओर देखें तो हम वही चीज करेंगे। अगर मजदूर शिव यहां आसपास चल रहा है, शायद वो अनपढ़ हो, शायद वो बहुत सारी चीजें हों या कुछ भी ना हो, तब भी हम वही चीज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने सोचा कि जिस डार्क एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, शिव के इसे थामे बिना इस शरीर में भी अखंडता नहीं रहेगी, ये फट पड़ेगा। तो जब मैं आपकी ओर देखता हूं, मैं वही चीज करता हूं। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप समझें कि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां ऐसी चीज मौजूद है। आप इसे अनजाने में कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने देवताओं के साथ जो करते हैं, वही आप सबके साथ कर रहे हैं, है ना? ये व्यक्ति शायद नहीं जानता हो कि उसकी रचना का स्रोत क्या है, पर मैं उसे पहचानना चाहता हूं। शायद वो नहीं जानता कि सृष्टा उसके भीतर धड़क रहा है, लेकिन इसे देखना मेरा परम अधिकार। अगर मैं इसे देखता हूं, ये मेरे लिए अंतर लाता है। अगर वो इसे देखते हैं तो ये उनके लिए चमत्कार कर देगा, पर अभी मैं इसे देखना चाहता हूं। तो आप जो अपने भगवान के साथ करते हैं, वही आप अपने पड़ोसी के साथ करते हैं, वही चीज आप अपने नौकर के साथ करते हैं, वही चीज आप अपने गाय के साथ या हाथी या पत्थर या कुछ भी, क्योंकि आप कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते। आप एक कोशिश करना चाहते हैं, आप चाहे जहां भी हो, ये देखने की कि सृष्टि का स्रोत लगातार सृष्टि के हर कण में धड़क रहा है और कोई भी इसे नकार नहीं सकता, है ना? मॉडर्न साइंस भी नकार नहीं सकती कि सृष्टि का जो स्रोत है वो एक छोटे से अदृश्य एटम में भी कार्य कर रहा है कि नहीं?